जय श्री राम, राधे राधे। जय हो मेरे कन्हैया लाल की, जय हो बरसाने वाले की, जय हो इस भांदुलारी की। और ये चल पड़े हम फिर ऋषिकेश से नीलकंठ की तरफ। ये देख लो भैया, आम के बगीचा था पूरा, बड़े बड़े पेड़ थे और इन पर लग रहे थे खूब बड़े बड़े आम, और लंगूर बंदर भी आ रहे थे। और उर्त ले ही फिर हमने छोटी गाड़ी सुमो, वे लेके जाए ऊपर नीलकंठ पे, क्योंकि काफी ऊंचाई पे है नी नीलकंठ और पहाड़ी रास्ता है, तो जो यहाँ के लोकल ड्राइवर है नी वे ज़्यादा कामयाब है उड़े। तो फिर उड़े सारे इकट्ठे होने के बाद में फिर हमने वो गाड़ी ली और चल पड़े हम नीलकंठ पर बाबा भोले के दर्शन खातर।
और ये पहुंच गए फिर मैं नीलकंठ, और यहाँ पर लगाया मैंने मन्नत का धागा बांध दिया और धूप लगाई, और दीवा मैं घर तक लेगी थी भाई की, दीवा तो मैंने दीवा भी लगा दिया, वैसे उधर धूप ही लगावा थे। और एक और मैंने नई बात देखी, यो प्रसाद दिया नहीं मारते दुकानदार ने थाली में जचा के, 5-6 आइटम थे, उसने कोई पैसे कौन लिए मेरे पे, उसने कहा कि वापिस आते वक्त थाली भी दे दीजिए पैसे भी दे दीजिए। तो ये देखो भैया मैंने मन्नत का धागा बांध दिया, उरे मैंने लगा दी धूप, और अंदर डल शिवलिंग पर जल चढ़ा था गंगा जल, और तो वीडियो बना कौन पाई, और इतना वो भी कौन था क्योंकि वो अलग ही माहौल हो गया है, इमोशनल टाइप का तो वीडियो बनाना में तो फिर ध्यान को नहीं रहो नहीं, भगवान में वीडियो में ध्यान हो जहाँ इसके अंदर उर जाके ना मैं शिवलिंग पर जल चढ़ा के आई थी, और बहुत ही अच्छी धोख लगी मेरी नीलकंठ पर, बहुत ही अच्छी तरह था। और यहाँ तक पूजा करने के बाद मैं फिर आ गया हम वापिस लक्ष्मण झूला पे, और वहाँ पर वो थी गंगा आरती, वो दिखाऊंगी मैं आपने। और यह थी गंगा मैया की आरती, कोई ज़्यादा नॉलेज कौन थी, पहली बारी गए थे ना, कोई बतानिया था, तो लक्ष्मण झूला पर तब मैंने ये रिकॉर्ड किया था, उसमें भी मेरा हाथ हला था क्योंकि वो झूला हला था, भीड़ थी ज़्यादा, और अब मैं व्लॉग कर रही हूँ बंद।